हेलो जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग. वेल, टुडे आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू समथिंग अनअवॉइडेबल, समथिंग रियली अर्जेंट, समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर पहले बातें नहीं हुई. बहुत से लोगों ने इसके ऊपर बहुत चर्चा की है, लेकिन एज आई सेड कि हमें बार बार चीज़ों को अपने आप को याद दिलाए जाने की ज़रूरत होती है. तो चलिए, मैं इस चीज़ को, इस इम्पॉर्टेंट चीज़ को कैसे याद दिला सकता हूँ, लेट्स फाइंड आउट. शुरू करते हैं. वेल, कैसा हो अगर मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे 50 इंच का एक LED लगा दूं विद सराउंड साउंड. या फिर एक किंग साइज बेड विद एक्सपेंसिव मैट्रेसेस एंड पिलोज. चलो यार, 24 घंटा फ्री वाईफाई विद ऑल योर मूवी वॉचिंग एप्स. आप बोल यार, इतनी सुविधाओं के बाद भी, मतलब आपके पास देखने के लिए 50 इंच का टीवी है, किंग साइज बेड है लेटने के लिए, और सबसे जरूरी बात यार, फ्री वाईफाई है ब्रो, उसके बाद भी यहाँ नहीं रह पाओगे. क्यों भाई? क्योंकि दीवारों पे प्लास्टर नहीं है, छत ढंग से नहीं बनी है, अच्छे से फर्श नहीं बनी है यार, और सबसे बड़ी बात, साफ सफाई नहीं है यार. यार बड़े शाणे हो हैं, अपने घर में इतनी सुविधाएं दिए जाने के बाद सिर्फ एक वजह की वजह से नहीं रह पाओगे, साफ सफाई. तो भाई, दूसरों के घरों में जाके कचरा क्यों फेंक रहे हो? दूसरा कौन? स्मॉल एंट्स, बिग एंट्स, स्नेक्स, बीटल्स, Earthworms? Yes, we are not alone. जो यहाँ पे रह रहे हैं, बहुत सी जिंदगियां हैं जो जमीन के नीचे भी रह रही हैं, उनके घर में हम कचरा फेंके जा रहे हैं. एंड आप सोच रहे हो कि आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है, ये कचरा क्यों आ रहा है. Yes, karma is that sensitive. What goes around comes around. Remember that? मानो या ना मानो, जमीन, वेल दैट इज द बिजनेस ऑफ द डे. हम इसको अच्छा भी रख सकते हैं और गंदा भी रख सकते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा भी. अगर अपने घर की बात करें हम, तो हमारे घर की जो नींव है वो भी जमीन के अंदर ही होती है. बोलो यस. हमें चलना जमीन पे है, हमारे घर जमीन पे बने हुए हैं. अगर जमीन पे नहीं तो फिर कहां बनाएंगे यार? पानी पे? नॉट पॉसिबल. हवा में? पॉसिबल ही नहीं है. वॉट? मार्स? वेल, ह्यूमंस को मार्स को कॉलोनाइज करने में बहुत टाइम लगेगा, इतना आसान नहीं है. और मुझे एक बात बताओ यार, प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है, मार्स पे जाके रह पाना? हम पृथ्वी पे तो ढंग से रह नहीं पाए यार, हैं? तो यार ये मार्स वास का चस्का छोड़ते हैं और अर्थ पे रहते हैं, लेकिन ब्यूटीफुली रहते हैं. करना क्या है, जब कभी भी आप बाहर जाओ, आपको सिर्फ ये कैरी करना है, एक छोटा सा पॉली बैग या फिर कागज का बैग. जो भी आपने खाया पिया है या आपको लगता है कि वेस्ट है, इस पॉली बैग में रखें, चाहे अपनी गाड़ी में हो या बाइक पे हो, और इस बैग को कैरी करें, या तो अपने घर जाते हुए सोसाइटी के डस्टबिन में डालें या फिर अपने घर के डस्टबिन में डाल दें. सिंपल, कोई बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है यार, रॉकेट साइंस नहीं है, राइट? और याद कीजिए, जब पहला लॉकडाउन लगा था तो आपने कितनी तस्वीरें खींची थी. यू नो, क्लियर स्काई, क्लियर रिवर्स, क्लियर अर्थ, है ना? क्योंकि हम घर के अंदर थे, बाहर नहीं थे, और लॉकडाउन था. अब हमें सेम चीज करनी है, लेकिन बिना लॉकडाउन के और घर के बाहर रहते हुए.